हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिभा का खाना खजाना। आज प्रतिभा के खाना खजाना में मैं आपको एक ऐसी रेसिपी सिखाने वाली हूँ जो सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है और सभी को बहुत पसंद आती है। तो मैं आज आपको तिल के लड्डू बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं और सभी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सबकी मनपसंद रेसिपी है। सो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं तिल के लड्डू। आज मैं आपको तिल के लड्डू बनाना सिखाती हूँ। तो हमने एक कटोरी तिल लिया है और ये सफ़ेद तिल है। तिल के लड्डू बहुत ही पौष्टिक होते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सर्दियों में तो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज जब मैं आपको बहुत ही कम चीज़ों से तिल के लड्डू बनाना बहुत ही आसान विधि से बता रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, अब इनको हम हल्का रोस्ट करेंगे। ये एक कटोरी तिल को हम पैन में डालेंगे, गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और धीरे धीरे इन्हें रोस्ट करेंगे। हल्का हल्का रोस्ट हो जाए, जैसे ही ये चटकने लगेंगे वैसे ही हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि तिल को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो तिल कड़वे हो जाते हैं। तो हल्का ब्राउन करेंगे, बिना घी बिना ऑयल डाले ऐसे ही खाली रोस्ट करना है हमें। बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। ये देखिए तिल काफ़ी अच्छे से चटकने लगे हैं, ये रोस्ट हो रहे हैं, फूलने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि रोस्ट हो गए। ये लाल ना पड़े, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है हमें कि लाल ना पड़े बिल्कुल भी। हल्का हल्का फूलने लगता है तभी हम गैस को बंद करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं, काफ़ी फूल गए हैं। बस हम इतना ही रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इन्हें ठंडा करेंगे और उसके बाद में हम इसे मिक्सर से, हम जब तक तिल ठंडे होते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लेंगे और उस ड्राई फ्रूट को 2 चम्मच ऑयल में रोस्ट कर लेंगे। ये हमने काजू लिया है, ये काजू के टुकड़े हैं। बादाम है और पिस्ता, 3 चीज़ें ली हैं मैंने। आपका जो मन करे वो आप डाल सकते हो। अब ये धीमी आंच पे हम धीरे धीरे इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ये जब हम घी में ब्राउन करके और फिर डालते हैं अपने लड्डुओं में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं लड्डू, और एक अलग ही खुशबू आती है। स्वाद इतना अच्छा होता है कि सभी लोग कहते हैं भाई बार बार खिलाइए, बहुत अच्छे बने हैं। हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना है हमें। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा फिर इसी में हम पिस्ता भी डाल देंगे। ये हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं बादाम पिस्ता और काजू के। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हमें करना है। इस तरह का साइज़ रखना है कि मुंह में जाने पर पता चले कि हाँ हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं और खाने में भी स्वादिष्ट लगते हैं। लीजिए रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें भी हम ठंडा कर लेते हैं। और तब तक हम जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे उनको हम ग्राइंडर में हल्का पीस लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं पीसना है तिल को हमें, थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड के लिए ग्राइंडर को घुमाना है। मिक्सी में थोड़ा सा हम बस उसको पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है। ये देखिए तिली को मैंने दरदरा पीस लिया है, ये इसे हम ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ग्राइंड करते हैं तो ये बहुत ही चिपचिपी टाइप की हो जाती है, क्योंकि इसमें ऑयल होता है। इसको हल्का एक एक सेकंड के लिए हम पीसेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से ग्राइंड हो गई है।
बस हम इतना ही ग्राइंड करेंगे। अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जितनी हमने तिली ली थी, ये कटोरी भर के हमने 150 ग्राम तिली ली थी, उससे थोड़ा सा कम, ये पिसी हुई शक्कर या बूरा आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बूरा ले रही हूँ, आधी कटोरी बूरा लिया है मैंने, ज्यादा नहीं लिया है क्योंकि ज्यादा डाल देंगे तो बहुत मीठा हो जाएगा, हल्की सी मिठास चाहिए हमें। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखे थे काजू बादाम और पिस्ता, वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है लड्डू बनाने का, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अब हम इसमें ये देसी घी 2 चम्मच डालेंगे, सिर्फ ज्यादा नहीं डालेंगे। आप मावा भी डाल सकते हो, मावा डाल के जब हम बनाते हैं तो वो ज्यादा लंबे समय तक हम नहीं रख सकते उसको, और अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो इन्हें हम 10 से 15 दिन 20 दिन आराम से रख सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, हेल्दी होते हैं, सर्दियों में बहुत फायदेमंद होते हैं, इसे बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। तो आप इस विधि से लड्डू जरूर बनाइएगा तिल के। तो ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसमें वाइंडिंग देना है। ये देखिए सारा मटेरियल बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने इसमें जो 2 चम्मच देसी घी डाला था उससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो गई है। ये देखिए अब हमारी लड्डू की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है, अभी बहुत अच्छे से बंधना शुरू हो जाएंगे। ऐसे करके आप देख सकते हो इसमें ऑयल ऑलरेडी इतना होता है कि हमें अलग से हाथों में ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे, जो भी साइज आपको पसंद आते हैं। देखिए ये लड्डू हमारा तैयार हो गया, बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं और बड़ों को भी। देखा गाइस ये हमारे लड्डू तैयार हो गए, झटपट 5 मिनट में तैयार हो चुके हैं और देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डेकोरेट और करते हैं। ये काजू के टुकड़े हैं, इनको हम सजा देते हैं थोड़ा सा ताकि देखने वालों के मुंह में पानी आए। और बहुत ही आसान विधि से मैंने बनाया है, आप भी बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखा तिल के लड्डू बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं और टेस्ट इनका जो होता है वो मार्केट से भी अच्छा आता है। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, अब आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। तो देखा आपने कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गए और कितने ही हेल्दी लड्डू हैं। आप उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएंगे, तो प्लीज़ आप भी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लड्डू कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगली नोटिफिकेशन जो भी निकले वो आप तक पहुँच जाए। ओके बाय।